कमियां यार टिकटॉक में, जो उसको बैन कर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म ही तो दिया है उसने लोगों को टैलेंट दिखाने के लिए। मैं खुद शाम को चाउमीन बेचता हूँ, जो पैसे बचता उसका ड्रेस खरीदा, फोन खरीदा, यहाँ तक कि बाल भी खड़े कर लिए वीडियो बनाने के लिए। टिकटॉक हो गया बैन इंडिया में, अब क्या होगा तेरा? लो अब कर लो बहुत धड़। जी हाँ, आप प्ले स्टोर ने भी टिकटॉक को लात मार के बाहर निकाल दिया कि भैया मुझे माफ करना, अब हम आपको ज्यादा नहीं रख सकते। मद्रास हाईकोर्ट से टिकटॉक को पंगा तो पहले ही चल रहा था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट टिकटॉक पर बैन लगाने की बात की थी। तब टिकटॉक ने कहा था भैया अभी नहीं करेंगे, पहले हम सबकी प्रोफाइल को ठोक पीट कर देखेंगे कि किस बंदे ने टिकटॉक को फोन हब बना रखा है। लेकिन हमारे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल और प्ले स्टोर को नोटिस भेजा कि भैया टिकटॉक को जल्दी से अपने अंदर से बाहर कर दो, नहीं तो इंडिया का सारे लौंडे छक्के हो जाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे कम और बोधाट करेंगे ज़्यादा। तब गूगल और प्ले स्टोर ने इनकी बात मान ली और टिकटॉक को लात मार के बाहर कर दिया। लेकिन टिकटॉक चलाने वालों डरो मत, जिसका मोबाइल में डाउनलोड है उसके पास तो रहेगा ही, लेकिन नए लोग अब डाउनलोड करके उछल कूद बचा नहीं सकते हैं। लेकिन जिनका मोबाइल में है वो एक दूसरे को शेयर करके वो थर्ड करवा ही सकते हैं। लेकिन भैया कब तक? अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर दे और टिकटॉक फिर से प्ले स्टोर पर आ जाए और फिर सब लटका के झटका के बोथ हट करने लगे। तो आपको क्या लगता है, टिकटॉक को ऐसे बंद करना सही है या नहीं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।